जोधपुर लायंस क्लब जोधपुर महिला क्रिकेट टीम ने उदयपुर के फील्ड क्लब में खेले गए लायंस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट 2018-19 के फाइनल मेजबान उदयपुर को हरा दिया। जोधपुर की टीम को प्रतियोगिता में गुड्डन एकादशी का नाम दिया गया। जोधपुर लायंस क्लब जोधपुर महिला क्रिकेट टीम ने उदयपुर के फील्ड क्लब में खेले गए लायंस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट 2018-19 के फाइनल में मेजबान उदयपुर को हरा दिया। जोधपुर की टीम को प्रतियोगिता में गुड्डन एकादशन नाम दिया गया था। टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में आयोजित समिति की ओर से लायन अरविंद चतुर ने जोधपुर टीम को बधाई दी। जोधपुर टीम के कप्तान अनु सेठी, मैनेजर लायन कसुमलता परिहार, कसुमलता राठौड़, नेहा गहलोत, दुर्गा चौधरी, देविका जोनी, प्रियंका सिंह, नीता जैन, अरुणा पटेल, नेहा जैन, मनीषा शर्मा, जया सोलंकी व सरोज श्रीवास्तव शामिल थी। लायंस क्लब के डीजी डॉक्टर जीएस चौधरी व आरके ओझा ने टीम का हौसला अफजाई की और जीतने पर बधाई दी। मैनेजर कुसुमलता परिहार व कप्तान अनु सेठी ने बताया कि आयोजन शानदार रहा, टीम ने उम्दा प्रदर्शन किया। लायन डॉक्टर डीएस चौधरी व आरके ओझा ने टीम को जीत के लिए प्रेरित किया। आयोजन समिति की ओर से अरविंद चतुर ने कविता के जरिए एकता व भाईचारे का संदेश दिया। गौरतलब है कि लायंस क्लब की राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डन यज्ञवोदितर महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयास कर रही है। इस कड़ी में लायंस क्लब प्रांत 3233E और 2 की ओर से यह प्रतियोगिता महिला सदस्यों के लिए आयोजित कराई गई। जोधपुर की टीम का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान के लिए जोधपुर से दानिश खान की रिपोर्ट।